नमस्कार दोस्तों, मैं आरके ट्रेडिंग से रवि कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग में। दोस्तों, तारीख है 4 फरवरी 2019, समय 5:43 हो रहे हैं 50 सेकेंड, और अपना स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू लेकर हाजिर हूं। आज ज़्यादा देर ट्रेड नहीं कर पाया, ना ही रिकॉर्ड सही से कर पाया हूं, कुछ माफ़ी चाहूँगा। चलिए मैं अपना जल्दी से स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू कर देता हूँ। तो जो स्टॉक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ और यूट्यूब में देता हूँ, उसका मैं स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू कर दूँ। किस स्टॉक ने आपको लॉस दिया, किसने प्रॉफिट दिया, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट हिट हुआ। जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर दिया था, टाइटन का पहला स्टॉक दिया था, तो हम लोग आज देखते हैं टाइटन ने क्या किया हमारे लिए। टाइटन का जो ओपनिंग बाइंग लेना था हम लोग को, दोस्तों शुरू के 5 मिनट का पहले कैंडल हम लोग लगा लेते हैं। हमें बाइंग लेना था टाइटन को 997 रुपये के ऊपर, यानी यहाँ कहीं पे बाइंग करना था इस जगह पे। स्टॉक प्री माने ओपन होते के साथ ही, एक तो गैप अप ओपन हुआ और ओपन होते के साथ ही सारे टारगेट से ऊपर ओपन हुआ। फाइनल टारगेट था इसमें 1018 का फाइनल टारगेट था यहाँ, और स्टॉक वहाँ तक से क्या सारे टारगेट को अचीव करके उसके ऊपर रहा, तो हमारे लिए इस स्टॉक में कोई ट्रेड नहीं बनता है, यानी ये नो ट्रेडिंग जोन में हमारे पास आ गया। वैसा स्टॉक जो ओपनिंग ही हमारे टारगेट से ऊपर हो रहा है या लेवल से ऊपर हो रहा है, तो हमारा उसमें कोई व्यू नहीं होगा, इसमें हमें कोई ट्रेड नहीं करना, तो टाइटन को कैंसिल कर दिया। अगला स्टॉक है दोस्तों वोल्टास का। वोल्टास को दोस्तों जो बाइंग करना था वो 558 रुपये के ऊपर करना था, 558 के ऊपर। स्टॉक तो उसके ऊपर गया ही नहीं, तो बात खत्म हो गई। सेल करना था 550 के नीचे, यानी 550 के नीचे यहाँ कहीं पे सेल करना था यहाँ पर, ठीक है। स्टॉक शुरू के 5 मिनट में अवॉइड करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे उसके नीचे आपने सेल कर रहे हैं, और उस कंडीशन में जो हमारा पहला टारगेट हो रहा है दोस्तों 550 के नीचे, पहला टारगेट 546 का हो रहा है, जो कि आपको बड़े आसानी से यहाँ पे अचीव हो गया। दूसरा टारगेट हमारा 542 का हो रहा है, जो कि ये भी आपको आसानी से अचीव हो गया, यानी दो टारगेट आपको आसानी से अचीव हो गए 542 का, और तीसरा टारगेट जो फाइनल टारगेट था 538 का था, तो ये तीनों टारगेट अचीव हो गए, यानी वोल्टास सक्सेस हुआ, तीनों टारगेट अचीव हो गए सेल साइड के। अब अगला स्टॉक मैंने दिया था इंफोसिस का। वोल्टास ने आपको 3 टारगेट अचीव करके दिया है। टाइटन में हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना, क्योंकि ट्रेड ही नहीं करना है उसमें, क्योंकि उसने लेवल को ब्रेक करके गैप अप में अपने सारे लेवल खत्म कर दिए, तो उसमें हमारा ट्रेड नहीं बना टाइटन में। और वोल्टास में 3 टारगेट हिट हुए हमारे सेल साइड के। अगला स्टॉक है इन्फोसिस। इन्फोसिस को बाय करना था 763 के ऊपर, ठीक है, 763 के ऊपर। ये स्टॉक 763 के ऊपर गया ही नहीं, ये स्टॉक 763 के ऊपर गया ही नहीं, तो बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। सेल करना था 754 के नीचे, 754 के नीचे सेल करना था यहाँ पर सेल करना था, और इस कंडीशन में जो है, इस कंडीशन में एक मिनट, 754 शायद यह वाला प्राइस होगा 754। इस अगर आपको, अगर आपने इस कैंडल पे सेल किया है, अगर आपने इस रेड वाली कैंडल पे सेल किया 754 पे, तो इस कंडीशन पे स्टॉप लॉस 759 होगा, 759 बच गया स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस बच गया आपका, ठीक है, 759 का स्टॉप लॉस ये बच गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। इस कंडीशन में पहला टारगेट जो है हमारा निकल के आ रहा है 749 रुपये का सेल साइड में, 749 का, तो ये 49 रुपये 40 पैसे की ये स्टॉक लो लगाता है, उसके बाद स्टॉक ने बाउंस बैक किया, यानी लगभग लगभग एक टारगेट इस स्टॉक ने आपको दे दिया, लगभग लगभग इंफोसिस ने एक टारगेट आपको दिया, ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। अगला स्टॉक है BEML का, ये मैंने टेलीग्राम पे दिया था। तो हमारा इंफोसिस में एक टारगेट अचीव हुआ, वोल्टास में 3 टारगेट अचीव हुआ, टाइटन में हमने ट्रेड ही नहीं किया। BEML जो मैंने टेलीग्राम पे दिया था वो मैं आपको बता देता हूँ, 820 रुपये के ऊपर बाय करना था, स्टॉक 820 के ऊपर नहीं गया, तो हमारा बाइंग ऑर्डर एचीव नहीं हुआ। 788 के नीचे सेल करना था, 788 के नीचे, 788 के नीचे सेल करना था यहाँ पर, 788, ठीक है, 788 के नीचे सेल करना था, तो 788 के नीचे सेल तो हुआ, लेकिन हमारा इसमें स्टॉप लॉस कट गया, क्योंकि इसने आपको टारगेट नहीं दिया 772, कितना 72 का टारगेट था ना, 782 का टारगेट था, सॉरी 782 का पहला टारगेट था, उसने आपको नीचे अचीव करके नहीं दिया 782 का, स्टॉप लॉस कट गया, 794 का स्टॉप लॉस था वो आपका इसने काट दिया यहाँ कहीं पर, 794 का स्टॉप, इसमें यानी फेल हो गया हमारा BEML, बिल्कुल फेल हो गया, फेल। अगला स्टॉक है हमारा दोस्तों इसमें, सॉरी क्या आ गया, अगला स्टॉक दिया था मैंने रेमंड का, रेमंड का स्टॉक दिया था, तो रेमंड को भी हम लोग देख लेते हैं।
रेमंड को बाय करने के लिए दिया था 745 के ऊपर, ठीक है, 745 के ऊपर बाइंग के लिए दिया था, ये नहीं किया 745 के ऊपर शुरू में, तो बात खत्म हो गई। सेल दिया था 735 के नीचे, स्टॉक क्या करता है 735 के नीचे, यहाँ से कहीं सेल दिया और इस कंडीशन में भी हमारा ये बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यानी दोनों ये फेल हो गया। मैं मान कर ये दोनों स्टॉक फेल हो गया, ये इसने कोई प्रॉफिट नहीं दिया आपको, ये बेकार स्टॉक हो गया, इसी को मैं काट देता हूँ। तो ये हमारा जो हाँ एक स्टॉक और पहले बता दो, टाइटन को भी मैंने दिया था, लेकिन टाइटन को फिर मैंने इग्नोर करवा दिया था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने टाइटन में एंट्री शायद ना लिया हो, तो लाइव मार्केट में दिया था, क्योंकि बाद में तो ये गैप अप ओपन हुआ था, इसमें हमको ट्रेड नहीं करना था, लेकिन बाद में मैंने एक अपॉर्चुनिटी देखा था, जो उस वक्त मैं भी ट्रेड कहीं पर कर रहा था लाइव मार्केट में ही, उसके बाद मैंने इसको दिया था, फिर कैंसिल भी करवा दिया इग्नोर, ठीक ना, इग्नोर करवा के अपना भी ट्रेड मैंने बंद कर दिया था, इसमें मैंने ऑर्डर लिया नहीं था, और आप लोगों को भी मैंने कैंसिल का इग्नोर टाइटन का दे दिया था मैसेज। तो टाइटन में हमारा वैसे भी अब ट्रेड करने का मन ही नहीं हुआ, तो बात खत्म हो गया। 745 ये तो हमारा सक्सेस कौन कौन सा हुआ और फेल कौन सा हुआ। सक्सेस हो गया हमारा वोल्टास और इन्फोसिस, इन्फोसिस में एक टारगेट आया, वोल्टास में तीन आया, टाइटन में ट्रेड ही नहीं किया आज हम लोगों ने, BML और रेमंड हमारा अनसक्सेस हो गया। तो दोस्तों तो ये था मेरा अपना स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।